नमस्कार, मैं सुरेश आचार्य केती टीवी का चीफ ब्यूरो बोल रहा हूँ। अभी हम खरियारो रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। अभी हमें पता चला कि DRM संबलपुर डिवीजन जो है रेलवे के हैं, वो कोमा खान से खरिया रोड आने वाले हैं। खरिया रोड से गुजर के जाएंगे। पता चल रहा है कि जिस तरह से सजाया गया है यहाँ का रेलवे स्टेशन, साफ सुथरे हैं, सभी कपड़े लत्ते पहने यूनिफॉर्म में हैं, तो ऐसा लगता है कि ज़रूर DRM साहब आएंगे। यहाँ पर जो खासकर रेस्ट रूम है, लेडीज़ डॉर्मेट्री है, जेंट्स डॉर्मेट्री है, और जो शौचालय है, वाशरूम है, आज वाशरूम सब खुले हुए हैं, क्योंकि DRM आने वाले हैं। कि DRM आएंगे तो वहाँ शौचालय पेशाब तो नहीं करेंगे, और वहाँ पर तो जो डॉर्मेटरी में रेस्ट तो करेंगे नहीं। वो सिर्फ DRM को दिखाने के लिए शायद ये किया गया है। और आज स्टेशन बिल्कुल टिप टॉप है, टिप टॉप। आप हमारा जो एपिसोड जब देख रहे हैं, आज का जो है 18 नवंबर का है, आप 19 नवंबर का आके देखें, क्या वही हालत है जो कि स्टेशन में आज भी है। तो ये क्यों, ये लोग दिखावा क्यों? आप भी आइए, मैं अगर झूठ बोल रहा हूँ तो आप भी आइए, स्टेशन परिदर्शन करके जाइए। आएंगे तो पक्का हम उनसे कुछ सवाल करना चाहते। देखने यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, व्यापारी हैं, कुछ राजनेता यहाँ पर खरिया रोड में रेलवे स्टेशन में खड़े हैं। आइए पूछते उनसे क्यों यहाँ पर खड़े हैं। आइए, मैं बात नहीं करूँगा, मेरा से मल्टीफाई। ये अभी हमने सुना है कि DRM आ रहे वाले हैं, आप यहाँ क्या करना है? रेलवे स्टेशन DRM से मिलने आए हैं यहाँ खरिया रोड की नगर की। यहाँ प्लेटफॉर्म की बहुत सारी समस्याएं हैं। क्या समस्या? स्पेसिफिक एक समस्या तो यहाँ है, यहाँ अभी यहाँ CCTV वगैरह आने का लगने का बताया गया थे पिछली बार, उसका कोई अभी तक लगाया नहीं गया है। और यहाँ जो सीनियर सिटीजन्स को 2 नंबर प्लेटफॉर्म जाने के लिए रैंप का निर्माण किया गया है, जिसका कोई प्रैक्टिकल रूप से कोई उपयोग ही नहीं हो पा रहा है। हम चाहते हैं कि DRM साहब खुद उस पर चल के देखें कि उस रैंप का क्या उपयोग हो रहा है। यहाँ पर पानी की समस्याएं हैं, इतनी समस्या ज़्यादा है कि पूछिए मत। रात में सुरक्षा की सुविधा बहुत तकलीफ हो रही है। ये ओवरफुट ब्रिज भी बना हुआ है, नगर के दूसरे भाग की तरफ जाने के लिए कोई साधन नहीं है। हमारी डिमांड शुरू से रही है कि इस फुटवेयर ब्रिज को उस तरफ एक्सटेंशन दिया जाए, जिससे कि पब्लिक इधर से उधर जा सके। और बहुत सारी समस्याएं हैं, ट्रेन में स्टॉपेज खरिया रोड में नहीं है, दो सुपर एक्सप्रेस चलती हैं। खरिया रोड सबसे बड़ा टाउन स्टेशन इस डिस्ट्रिक्ट का है, यहाँ पर ट्रेन का स्टॉपेज दिया जाए, पैसेंजर ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉपेज दिया गया है, जो सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। अभी कोरोना काल के बाद सबके एक्सप्रेस फेयर कर दिए गए हैं, गरीबों के लिए सबसे ज़्यादा असुविधा उसी में हो रही है। इसके भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि उसका फेयर वापस वही किया जाए, स्टॉपेज सबके ध्यान किए जाए। तो ऐसा रिकॉर्ड बजा रहे हैं आप, हमको लग रहा है जब भी आते हैं यही समस्या आप बताते हैं, करते रहते हैं कुछ नहीं होता है। अब बिल्कुल एक्शन लेना पड़ेगा। हम लोग अभी डिसाइड कर रहे हैं कि नहीं तो जनवरी महीने में देखते हैं, यहाँ पर हम रेलों को आंदोलन करना चाहेंगे कि ये रेलों को अनर्त करेंगे, तभी इनका ध्यान हमारी तरफ आकर्षित होगा, नहीं तो आकर्षित होता नहीं है। अभी हमने सुना है कि DRM साहब आ रहे हैं जी। अब आप बताइए, ये जो समस्या हमने प्रदीप जैन जी ने बताया, वही समस्या 2 साल से हम सुनते आ रहे हैं, आप लोग आज फिर क्यों आए हैं? दिक्कत की बात यह है कि हमारा काम है समस्याओं को बार बार उजागर करना, समाधान करना अधिकारियों का काम है। अब वो काम नहीं करते हैं, आक्रमण है, तो उसके लिए विरोध करने के लिए हमको बार बार आना पड़ता है। ऐसा है कि वो काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हम घर में बैठ जाएं तो समस्या का समाधान कैसे होगा? हमारा अधिकार है, हमको बार बार लड़ना है हमारी समस्याओं को समाधान करने के लिए। कितने दिन तक लड़ेंगे ऐसे? हमेशा लड़ते रहेंगे, जब तक समाधान नहीं निकलेगा तब तक लड़ते रहेंगे। क्या कर रहे हैं, रोज मेमोरेंडम देते हैं? अभी हम कलम से लड़ रहे हैं, इसके बाद अगर जरूरत पड़ेगी तो हम जमीन में बैठने के लिए तैयार हो जाएंगे। हमारे साथ DRM साहब हैं, यहाँ खरिया रोड रेलवे स्टेशन में आए हुए हैं। हम उनसे पूछेंगे, जो मेमोरेंडम हम आपके जानकारी के लिए बता दें सर, 2 साल से हम लगातार कवर कर रहे हैं, 2-3 DRM आ चुके, सेम कंप्लेन जो है ये दे रहे हैं। उसके बाद वो DRM कहते हैं कि आगे देखेंगे, हो जाएगा। इस बार का जो उन्होंने डिमांड दी, उसकी कार्यकारी कब करेंगे आप? देखिए, ऐसा है, ये सब चीज़ों में कैपिटल एक्सपेंडिचर बहुत होता है, तो ये सब सैंक्शन कराने पड़ते हैं, तो प्रायोरिटी के हिसाब से सब सैंक्शन होते हैं। तो जैसे प्रायोरिटी के हिसाब से फंड अवेलेबिलिटी होगी, वैसे उसके हिसाब से सैंक्शन किया जाएगा। दूसरा सवाल सर, मेजर सवाल ये है कि खरिया रोड NSA में बहुत फंड है, सरकारी फंड, लेकिन क्या है ना, खरिया रोड NSA के अंदर रेलवे का भी आता है, रोड्स वगैरह, कलवर्ट, ये सब चीज़ें। तो खरिया रोड NSA के पास फंड है, लेकिन वो जो परमिशन मांगते हैं, तो यहाँ से संबलपुर रिविजन आपका परमिशन नहीं मिल रहा है,
तो इसीलिए परमिशन, जैसे समझिए रोड एक बन रहा है, एक टू रोड बन रहा है, और एक पार्क है जो आपका चाचा नेहरू पार्क यहाँ पर रेलवे का है, वो जगह में 10.5 लाख रुपया का कुछ टॉयलेट सब जिम पार्क वगैरह बनाने के लिए वो परमिशन मांग ले। लेकिन तो मेरे संज्ञान में नहीं है, मैं बताएं अगर कुछ है तो कागज दें तो मैं देखता हूँ। नहीं मिला है मेरे, एनएससी के एग्जीक्यूटिव बोलते हैं हमने भेजा है, कॉपी मिल जाएगी अगर आप लोगों के पास उपलब्ध है तो दे दीजिए कॉपी। अच्छा ठीक है, ठीक है, तो अभी उपलब्ध मैं थोड़ी देर हूँ यहाँ पे, अगर कॉपी हो तो आप दे दीजिएगा। ओह थैंक यू सर। ये थे DRM हमारे नए संबलपुर के, इंस्पेक्शन में आए थे, हमने उनसे बातचीत किया, जो डिमांड है खरिया रोड का आपने सुना है उन्होंने क्या कहा, वो डिमांड हम देखेंगे। तो हमने ये भी बताया 3-3 बार आके DRM को दे चुका है, 2 साल में कुछ नहीं हुआ है, फिर भी वो अभी इंस्पेक्शन करने के बाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाले से बातचीत करेंगे। और ख़ासकर रेलवे की जगह में जो काम करने का जो बात उठाता वो बोले हमसे कोई परमिशन आज तक नहीं आया है, तो इसीलिए कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर खरिया रोड को फ़ोन किया गया कि वो कागज़ लेके आए जो परमिशन के लिए उन्होंने DRM को लिखा हुआ था। देखते हैं थोड़ी देर बाद क्या अपडेट होता है। सर हम अपने घर के लिए नहीं बोल रहे हैं, मेरे घर के आगे ट्रेन रुकने के लिए नहीं बोल रहा हूं। आपने कहा कि आप अपने घर के आगे ट्रेन रोक रहे हैं, हमने तो नहीं कहा, अपनी अपनी मांग की है। तो सर उम्मीद भी है हमको सर कि आप कुछ करके जाएंगे तो अच्छा लगेगा सर, कुछ तो दे सकते हैं सर, आश्वासन देंगे कुछ घोषणा करके जाइए तो हमको भी लगेगा सर आए थे क्योंकि उन्होंने दिया आज के लिए, तो हम लोग भी सर खुश हो जाएंगे कि ऐसे डी आर एम में हम लोग से कुछ हुआ सेवक। ठीक है हम लोग काम करके दिखाएंगे ना, उस टाइम नहीं आते आप घोषणा नहीं हो, काम तो हो जाए सर, ट्रेन स्टॉपेज छोड़ बाकी सब आपके हाथ में है। कुमार तो ये थे DRM विनीत कुमार सिंह जो कि खरिया रोड रेलवे स्टेशन इंस्पेक्शन करने आए, और हर बार की तरह इस बार भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीनियर सिटीजन ने उनको भी एक एक कागज़ पकड़ाया, उनसे कुछ बातचीत किया। तो आप जानना चाहते हैं कि ये DRM जो नए है विनीत सिंह जी वो वही पुराना रिकॉर्ड बजाए कि और कुछ नया बोले, बोलिए सर। अभी तक तो सिर्फ आश्वासन मिला है उनका, काम करने का कुछ अभी दिखा नहीं, अब देखने के बाद मालूम चलेगा इन्होंने इस पर कितना गौर किया। हमने अपनी बात पूरी दमखम के साथ रखी है और हमारी मांग पुरानी फिर से वापस है कि 3-3-4-4 DRM बदले हो गए, हमारी मांगों पर पुनर्विचार नहीं किया जा रहा है। इस बार हम लोग भी संकल्पित हैं कि अगर नतीजा नहीं आएगा तो हम लोग जरूर उग्र आंदोलन करेंगे। कितना दिन इंतजार करें? हम 1 महीने का इंतजार करेंगे, आज हमने एक नोटिस किया है, एक मेमोरेंडम दिया है, अगर इसके बाद अगर नहीं होता तो 1 महीने के बाद रणनीति बनाई जाएगी कि कैसे हमको स्टेप उठाना है। तो आप क्या बोल रहे हैं, ये संतोष भाई जो बोले उसके बारे में आपका क्या? बिल्कुल सही बोल रहे हैं, क्योंकि वहाँ खाली कोरे आश्वासन से काम नहीं, हर चीज को अमली जमा बनाने की जरूरत है कि वही कार्यान्वित करना है किसी चीज को, वरना उग्र आंदोलन होने की मतलब 3 महीने के अंदर उग्र आंदोलन होने की जरूरत। उग्र आंदोलन करने का किस तरह का करेंगे आप बोलिए? यहीं पे पटरी पे बैठेंगे, ट्रेनों को रोकेंगे और क्या, बस और क्या करेंगे, 2 घंटा ट्रेन को रोकेंगे तब आम जनता जब रेलवे पैसेंजर जो परेशान होंगे तब वो सुनेंगे। अच्छा प्रदीप जी आप बताइए, ये कुछ ऐसा लगा कोई एक पॉइंट पे DRM ने कोई प्रतिक्रिया अच्छा दिया, अच्छा लगा आपको? वही तो हम चाहते थे कि आज कोई रोग आश्वासन उनसे मिले कि एक काम तो कम से कम हो। आपने देखा होगा कि आज हम आक्रोश बिल्कुल बाहर आ गए, आज इतना हम लोग 3 घंटे से इंतजार कर रहे हैं सिर्फ उस आदमी से 5 मिनट का समय लेने के लिए, और ये बार बार यही रिपीटेशन होता है कि जितने कागज़ बना बना के हम दे रहे हैं कोई विचार नहीं होता है, इसलिए हम लोग कहा था कि आप एक डिक्लेरेशन करके जाइए। तो क्या बोले? तो नहीं हम इस पर विचार करते हैं, आप कागज़ दिए हैं हम देखते हैं। अच्छा अच्छा अभी NSE वालों ने जैसे NSE को ही फ़ोन किया था कि आप आ जाइए, उन्होंने बोला कि हमने चाचा नेहरू पार्क के बारे में इनको लिख के दिया है, तो वो बोल रहे हैं कि आदमी भेज रहे हैं वो कागज़ दे रहे हैं, आप DRM को दे देना, अभी तक वो आए नहीं। और चंद्रकार जी बोलिए आपको कुछ कहना है, आप तो थोड़ा लेट से आए, मुलाकात हुआ ना? हाँ तो क्या ये उग्र आंदोलन जब करेंगे धरना देंगे सब के करेंगे? कई बार उनको बोला गया किंतु पर क्या हुआ वो तो एक्शन एक्शन नहीं लेते हैं। उग्र आंदोलन आंदोलन तो श्योर होगा, यदि वो स्टेप नहीं लिए जो जो हमारे डिमांड है तो आंदोलन श्योर होगा, पटरी में बैठ जाएंगे, ट्रेन बंद कर देंगे। तो राठौर जी हाँ जी आप अंतिम लाइन बोल दीजिए। हम ये बोल रहे हैं कि बस जो आश्वासन उन्होंने दिया है उसको फुलफिल करें वो, तो ये हम आशावादी रहेंगे, अदरवाइज कुछ न कोई एक्शन लेना पड़ेगा, जो जो हमारे सहयोगी लोग लेंगे उसको हम सपोर्ट करेंगे। तो ये थे हमारे सीनियर सिटीजन्स के संघ के लोग और जे अपना चैम्बर ऑफ कॉमर्स, उन्होंने कहा कि इस बार अगर सुनवाई नहीं होगी तो उग्र आंदोलन होगा, उग्र आंदोलन बहुत से चीज़ें हैं, या तो रेल पटरी में बैठ सकते हैं, अनशन अमरण अनशन कर सकते हैं, रेल रोको कर सकते हैं, या फिर स्टेशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ऐसा कुछ करने वाले हैं। उन्होंने अल्टीमेटम 30 दिन का टाइम दिया है, देखते हैं आज तारीख हो गया हमारा 18,
नवंबर, इसका मतलब 18 दिसंबर के बाद यहाँ के लोग जो हैं, यहाँ के खासकर संगठन, जो संगठन है चैम्बर ऑफ कॉमर्स और सीनियर सिटीजन, उग्र आंदोलन करेंगे। हम फिर से इसी इशू को लेकर तब पहुँचेंगे आप 18 दिसंबर के बाद। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। सुरेश आचार्य, चीफ ब्यूरो, केतरी टीवी न्यूज़, उड़ीसा।